हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का मेरा जो वीडियो है, आज का मेरा जो टॉपिक है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो शेयर बाज़ार में और कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, यानी कुल मिला के कहे तो शेयर बाज़ार में जो इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारा जो पैसा हार चुके हैं, उनके लिए आज मैं एक प्रजेंट उपाय बता रही हूँ। ये उपाय बहुत ही प्रजेंट और बहुत ही शक्तिशाली है। तो सबसे पहले क्या करें, और मैं बता दूं कि ये तो वैसे तो अच्छी चीज़ नहीं होता है। वैसे तो जुआ, लॉटरी, सट्टा आदि में धन बर्बाद करना बहुत ही बुरी बात होता है, परंतु जो भी लोग हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं या फिर जो हमारे चैनल पे न्यू देख रहे हैं, नए नए चैनल को देख रहे हैं, वो पाठक अगर इस आदत के चलते अपना धन, बहुत सारा धन बर्बाद कर चुके हैं और पुनः इसी कार्य से, यानी अपने शेयर मार्केट वाले ही कार्य से कमाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से आकस्मिक धन का वो सपना देखते हैं, यानी स्वप्न देखते हैं आकस्मिक धन उन्हें मिल जाए, इस प्रकार का वो उनका सपना रहता है, ख्वाब रहता है, तो सुनहरे अपने इस सुनहरे ख्वाब को पूरे करने के लिए, यानी अपने इस सपना को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं आपको एक प्रचंड शक्तिशाली टोटका आपको बताने वाली हूँ। आजमा कर देखिएगा, मनवांछित लाभ जरूर प्राप्त होगा, लेकिन आपका विश्वास सबसे ज़रूरी है और इसे शुभ दिन और शुभ वार में ही आपको करना होगा, तभी ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन मैं वीडियो शुरू करूँ इससे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारी आपको ढेरों जानकारियाँ देखने को मिलती है जो आपको शायद कहीं भी ना मिल पाए। तो चलिए बात करते हैं आज शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं क्या टॉपिक बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात जानते हैं कि जब भी आप शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपको लॉस हो जाता है तो इसके लिए वास्तु भी बहुत बड़ा इफेक्ट रखता है। साथ ही कुंडली के कई भाव ऐसे होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, कई ग्रह ऐसे होते हैं जिसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस पर मैं वास्तु के बारे में बताने वाली हूँ और ना ही आज ज्योतिष के बारे में चर्चा करूँगी, लेकिन अगर आप लोग का कमेंट आएगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट टाइम। लेकिन आज सिर्फ मैं एक छोटा सा टोटका मात्र बताने वाली हूँ आपको, है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है, एक बार ज़रूर आजमाइएगा अगर आप लॉटरी या फिर शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार से आप ट्रेड करते हैं, यानी आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या है वो उपाय? सबसे पहले तो आपको ये जो फूल नज़र आ रहा है, इसे बोलते हैं कनेर का फूल। आपके आसपास या फिर कहीं पे भी बगीचा में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिल पाता है तो आप नॉर्मली जो माली आपके एरिया में होंगे, अगर आप उनसे बोलेंगे तो वो ये अवेलेबल करा देंगे। अगर कनेर का फूल आपको नहीं पता है क्या होता है तो आप गूगल भी कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से दिखता है। वैसे मैंने आपके सुविधा के लिए यहाँ पर डाला भी है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। देखिए, इसको करना क्या है। सबसे पहले तो दिन और वार का ध्यान रखिएगा, कोई भी शुभ दिन इसे धारण किया जा सकता है, मैं जो बता रही हूँ इस फूल को। तो सबसे पहले सीध पीले कनेर का फूल जो है, इसे भगवान के चरणों में रख के लक्ष्मी नारायण मंत्र का, कोई भी लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप करिए या फिर माता लक्ष्मी का मंत्र का 108 किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद आपको इस फूल को, चांदी का एक ताबीज चाहिए आपको, उस फूल को एक ही फूल से आपको करना है, उस एक फूल को चांदी के ताबीज में भरकर और पीले डोरे में, जो भी पीला धागा होगा, डोरा होगा आपके पास, रेशमी डोरा हो तो और अच्छा होता है, तो उसमें चांदी का जो ताबीज है उसमें आपने इसको भरा, यानी फूल को डाला और डाल के अपने गले में धारण कर लीजिए शुभ दिन और शुभ वार। कोशिश करिएगा धारण करने से पहले इसे सिद्ध करवा लें, हो सके तो आप इसे भगवान के चरणों में रात भर रहने दीजिए, नहीं तो किसी पंडित से भी आप इसे सिद्ध करवा सकते हैं। आप उसे बोलेंगे कि इसे सिद्ध कर दीजिए तो ऐसा कर देंगे, तो आप करके देखिएगा, पता करके देखिएगा, वो सिद्ध कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा अवेलेबल नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो आप किसी भी लक्ष्मी नारायण मंत्र का 108 बार या फिर माता लक्ष्मी के 108 बार मंत्र जाप करते हुए इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन शुभ दिन का ध्यान रखिएगा, शुभ दिन आपको धारण करना है। दोस्तों, इस उपाय करने से आपको जो भी लॉटरी सट्टा, शेयर बाज़ार या फिर कमोडिटी मार्केट, जो भी इस प्रकार के जो आकस्मिक धन के योग होते हैं, उससे आपको निश्चित ही धन लाभ होता है, यानी अवश्य
जीत हासिल होता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग या फिर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो। केवल इसके भरोसे आप अपने किसी भी जीत का खुशी नहीं माने, यानी जीत की उम्मीद नहीं कर सकते। थोड़ा सीखिए, समझिए।